भारत में त्योहारों का आगमन हो चुका है, उसी के चलते बुराई पर अच्छाई की जीत माने जाने वाला त्यौहार दशहरा है, जो कि पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार पर लोग रावण दहन करते हैं, लेकिन इस बार रावण लोगों के बजट से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कारण भारत सरकार की ओर से लगाई गई GST है। वहीं कारीगर की मानी जाए तो आज से 10-15 साल पहले रावण बनाया जाता था, तब 25,000 से लेकर 40,000 तक बनता था, लेकिन आज वही रावण करीब 1,00,000 से लेकर 2,00,000 तक बनाया जाता है। वहीं बची कसर GST के द्वारा गरीबों पर थोप दी गई है, जिससे अब लोग रावण की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने में असमर्थ दिख रहे हैं। GST करके भी थोड़ा जा पंगा जा पिया है। GST कपड़े से भी लग गई, कागजा भी लग गई, बासा से भी लग गई है, तो गाहक पैसा भरता नहीं है। तो रेट मंगी तो रेट चलते नहीं गए, इस टाइम माड़ी मोटी टाइम पास कर ली, तो छोटी मूर्तियां बना के गुराइया नहीं मिलती, जो प्रधान पर्चियां कटाते गुराइया नहीं होंगे, कहते पैसे नहीं आते, कमेटी वालों नहीं मिलते, रब जाने इन्हों की गल की बात है। तो उन्होंने इस कारण कोई बना रहा कोई नहीं हो रहा कि ग्राउंड च किसी टाइम पर तो 15-20 साल पहले 8-8, 9-9 मूर्तियां लगदियां ही, हूँ टोटल 2 या 3 लास्ट पहले दे हिसाब न चलीए 110 फुट का रावण भी अभी 25-25-30 हज़ार के बनाया आ, हूँ घट्टो घट 110 फुट का समझ लो 100,00,000 रुपये के उत्ते जाती गल, जो मटीरियल का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। हाँ जी, जिथे सानू बांस 150 का मिलता ही 210 का मिलन दिया पर बांस।